दोस्तों, ये राजा जी टाइगर रिज़र्व का मिठावली से पहले एक जो पहाड़ पड़ता है, मिठावली पहाड़, इसको भुक्तिगढ़ की भी पहाड़ी बोलते हैं ना, भुक्तिगढ़ की पहाड़ी। अच्छा, पीछे रह गया। अच्छा, ये मिठावली है, मिठावली की पहाड़ी है। मिठावली के पास एक वन रक्षक चौकी बनाई गई है। मिठावली नदी बहती है और वो जाके आगे चल के कई नदियों से मिलते हुए पीली नदी बांध बनाती है, और जिसके किनारे झिलमिल वन्य जीव अभयारण्य है। और ये पूरी तरह से भालू, टाइगर और एलिफेंट का इलाका है। देखिए कितना घना जंगल, यहाँ सांभर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे डर यहाँ पे इस बात का लगता है कि अगर कोई एलिफेंट सामने से आ जाए तो। इतना पतला सड़क है और गर्मियों में आ भी जाते हैं और गाड़ी को बैक करना पड़ता है, और अगर चार्ज कर दें तो बहुत बड़ी समस्या। अभी रोड को थोड़ा सा अच्छा और कर दिया गया, पहले तो और ये पतला हुआ करता था। इस तरह थोड़ा ऊँचा पहाड़ है। आगे बढ़ते, कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है। ये जंगली मुर्गा बोल रहे हैं। अगर कोई कह दे पैदल चलने को इस रोड पे, तो हर एक मोड़ पे सांसें जैसे थम जाएंगे। और इसी पे हमारे वन रक्षक जो हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। एक अभी लंगूर था, वो नीचे कूदा। वो लंगूर है। मैं आपको बता दूं कि लंगूर सबसे विश्वसनीय कॉल देते हैं टाइगर को देख के, अलार्म कॉल जिसको बोला जाता है। और इनका अगर जो आवाज़ होता है टाइगर को देख के, वो पेड़ों पर से नीचे देखते हैं और जहाँ टाइगर रहता है उसी तरफ देखते हुए खौ खौ की आवाज़ निकालते हैं। उसके बाद सबसे विश्वसनीय स्रोत में से आ जाता है सांभर इन लंगूर के बाद, और वो पौंक पौंक की आवाज़ निकालता है, और वो भी काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। थर्ड वन में स्पॉटेड डियर आता है जो कि कू करके आवाज़ निकालता है, और वो कभी कभी उसका फॉल्स भी हो जाता है। और उससे सबसे कम विश्वसनीय जो होता है वो है बार्किंग डियर। पार्किंग डियर जो है वो बार्क जैसा आवाज़ निकालता है, भौ भौ करके, और वो बहुत छोटा सा एनिमल है, डियर है, और वो एक फॉक्स को देख के भी आवाज़ निकालता है। तो श्योरिटी नहीं रहती, मंकी बोल रहा है तो श्योर है कि टाइगर है, 110% टाइगर है। सांबर डियर बोलता है तो 100% है, और स्पॉटेड है अगर डियर अलार्म कॉल कर रहा है तो 70-80% तक टाइगर को देख के वो समझा सकता है कि टाइगर है। और ये देखिए सीमा प्रारंभ रवासन यूनिट है, और यहाँ से रवासन यूनिट के हाथी का डंग पड़ा हुआ है, और ये सुबह का ही है, ताज़ा है। ये चारों तरफ हाथी के डंग ही डंग है, हाथी का जो पूरा झुंड है वो निकला हुआ है इधर से। और
फुटप्रिंट भी हैं जगह जगह पे बने हुए। तो और सबसे कम मैं बता रहा था बार्किंग डियर का, एकदम से ही उसके पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान हम नहीं देते जब तक कि कंफर्म नहीं हो कि टाइगर इस इलाके में है। तो इस तरह हम टाइगर को ट्रैक करते हैं, या फिर टाइगर को ट्रैक करने का एक और तरीका है उसके पग मार्क्स जो होते हैं। पग मार्क्स यहाँ टाइगर के दिखेंगे, ये देखिए यहाँ कल के है सर, ये कल वाला है, कल वाले है। ये देखिए टाइगर के पग मार्क्स हैं यहाँ पर, ये इसके ऊपर गाड़ियाँ चल गई हैं तो ये कल का है। तो टाइगर को ट्रैक करने का एक है कि पग मार्क्स अगर फ्रेश हो और गाड़ियाँ ऊपर से नहीं गई हो, और उसकी जो ऊंचाई होती है जो ऊपर वाला हिस्सा है टाइगर का जो मिट्टी का, वो अगर हाइट ना गिरा हो तो एकदम ताज़ा माना जाता है। और जब हम जंगल में घूमते हैं तो ये भी देखते हैं कि अगर सुबह हमने वो नहीं देखा पग मार्क्स और अभी देखा तो एकदम नज़दीक का माना जाता है। तो ये चीज़ है, टाइगर को इस तरह हम देखते हैं। या फिर एक और चीज़ है, सफारी में अदर जिप्सियों से भी पूछ लेते हैं कि किस इलाके में कॉल हुई है, नहीं हुई है, या कहीं दिखा। एक और है कि अगर कहीं किल किया रहता है उसने तो स्मेल आता है हल्का, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि टाइगर है। तो ये कई सारे चीज़ें हैं, मापदंड हैं जिसके आधार पे हम ट्रैक करते हैं टाइगर को सफारी में। और अभी हम मिठावली की जो पहाड़ी है उस पर निकल रहे हैं। अभी हमने देखा हाथी, टाइगर सभी इस जगह से गुजरते हैं, भालू भी है यहाँ पे, रात को थोड़ा अंधेरा होने के बाद निकलता है। सांभर डियर वगैरह तो है ही, और जो नीचे मिठावली नदी है, मिठावली नदी जो है मुल्तानी मिट्टी टाइप का, जो मिठावली नदी है उसमें मुल्तानी मिट्टी टाइप का मिट्टी मिलता है, पीला टाइप का, और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी यूज़ हो सकता है, वो हल्का पीलापन टाइप का मिट्टी होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पॉटेड डियर था यहाँ पे, अभी नीचे उतरा है, इस तरह नीचे उतर गया, ये रहा, ये बार्किंग है ना, स्पॉटेड है, ये देखिए अभी नीचे गए, स्पॉटेड डियर था। और जो जंगल की खुशबू आ रही है वो मैं अब तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, इतना सुंदर स्मेल आ रहा है। और ये हम पहाड़ी से नीचे उतर चुके हैं, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो मिठावली नदी पड़ेगी, ये देखिए ये सांभर डियर तीन है। ये राजा जी टाइगर रिजर्व का मिठावली क्षेत्र है, अभी ये यूथ है, फीमेल है जी। अभी बड़े बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। इनकी एक खासियत है कि एक तो अलार्म कॉलिंग का सेकंड में सबसे मान्य होता है लंगूर के बाद, और ये जब खतरा देखते हैं टाइगर वगैरह को तो अपना आगे वाला पैर पटकते हैं एक एक करके। और एक और दिक्कत है कि ये इतना डर जाते हैं कि ये टाइगर जिस तरफ होता है उसी की तरफ ये जो है भागते हैं, टाइगर की तरफ ही, और टाइगर के आसान शिकार हो जाते हैं। टाइगर भी इनका शिकार करना चाहता है क्योंकि मांस बहुत ज़्यादा मिलता है इनमें, और टाइगर 2-3 दिन तक इसको खा लेता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत, तो अलार्म कॉलिंग का होता है वॉक वॉक करके।
और ये भी बोल रहे हैं तो पक्का है कि लेपर्ड या टाइगर है। और ये हम आ गए अब जो मिठावली नदी है, क्या है रूस्टर। अच्छा अच्छा, ये जंगली मुर्गा है क्या? हाँ यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखिए जंगली मुर्गा। बस बस ये देखिए यहाँ जंगली मुर्गा है, ये मेल है ना, जंगल फॉल बोलते हैं इसको। ये आ गई मिठावली नदी, ये एलिफेंट कॉरिडोर है। हाँ कहाँ पे है? अच्छा हाँ 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 ये वाला ना। एलिफेंट गए हुए, और ये मिट्टी जो ये ऐसे ही है ना रेड वाली, यही ना? ये मुल्तानी मिट्टी जो मैं बता रहा था, ये इस तरफ हाथी जाते हैं और खारा वगैरह होते हुए घासी राम सोत की तरफ निकल जाते हैं। और ये आगे हम मिठावली जो वन रक्षक जो भी हैं उनके लिए बनाया गया है, वन रक्षक चौकी है, और यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी है, पर आम लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत है रुकना। तो भालू का इलाका है ये, और भालू काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिख जाते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये यहाँ के बाद से मिठावली से खारा तट का।